अब ये गा सकते हो आप गाना, नजारा ही नजारा क्या है नजारा, नजारा ही नजारा क्या है नजारा। आई थिंक रेडी हो चुका है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल ऑन यूट्यूब एसवी व्लॉग्स। मैं व्लॉग्स में वापस आ चुका हूँ काफ़ी दिनों बाद। इसका रीजन तो है भाई, ब्लॉगर्स भी एक इंसान ही होते हैं, कि कुछ अच्छा भी होता है कुछ बुरा भी होता है। बुरा ये हुआ, ये पहली दफ़ा हुआ है कि मेरी सारी जो ज़रूरत की चीज़ें, कि मेरी जो भी व्हीकल है, टू व्हीलर्स हैं, फोर व्हीलर्स हैं, सारी सर्विसिंग में, और मैं एकदम नेकेड, कुछ नहीं मेरे पास, इसलिए मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। घर से काम बस इतना ही चल रहा है, कुछ दिनों से इतना ही चल रहा है, और इस वजह से मैं ब्लॉग्स नहीं बना रहा हूँ। कितना घर के अंदर में ब्लॉग्स बनाओ यार, घर के अंदर में एक ही साइड, एक ही बैकग्राउंड, अच्छा नहीं लगता है। कुछ कैरेक्टर होना चाहिए, कुछ पार्ट्स होने चाहिए। एंड तो मुझे आज बहुत दिनों बाद मौका मिला कहीं जाने का, कह सकते हैं आउट ऑफ झारखंड, यानी उड़ीसा स्टेट, उड़ीसा। तो आज हम जा रहे हैं उड़ीसा, संडे है, आज सुबह के 7:30 बज रहे हैं। उड़ीसा जाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी पूरी फैमिली के साथ। तो कह सकते हैं कि अब कोई मुझे बता नहीं रहा है कि करने क्या जा रहा है। उड़ीसा हम लोग जा रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे, कोई कह रहा है पिकनिक जा रहा है, कोई कह रहा है पिकनिक यार इतना दूर, पिकनिक तो नहीं हो सकता है, कुछ समथिंग कुछ होगा स्पेशल, कुछ कोई बोल ही नहीं रहा कि हम करने क्या जा रहे हैं। और इसलिए मैं सरप्राइज्ड हूँ कि मैं क्यों जा रहा हूँ उड़ीसा। तो आई एम एक्साइटेड, इसलिए एक्साइटेड हूँ कि मुझे ब्लॉगिंग का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता यार। कहीं भी जाता हूँ तो मुझे ब्लॉगिंग, यस ब्लॉगिंग। इस ब्लॉग को शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ कि अब मुझे लगता है कि आई थिंक आई नीड समथिंग न्यू। मुझे अब लग रहा है कि मुझे अपने ब्लॉगिंग के लिए प्रोफेशनल बनना होगा। आई मीन प्रोफेशनल मीन्स क्या, प्रोफेशनल मीन्स मुझे अपने कैरेक्टर पर, अपने पार्ट्स पर, अपने स्टोरी पर एंड अपने वीडियो क्वालिटी पर मुझे फोकस करना होगा। आई थिंक ये ज़रूरी है हर ब्लॉगर्स के लिए, हर वीडियो मेकर के लिए। तो और मुझे अब लगता है कि मुझे प्रोफेशनल बनना होगा, अच्छा सा कोई स्टूडियो हो, अच्छा सा एक बैकग्राउंड हो। क्या एक ही बार एक ही बैकग्राउंड में बार बार वीडियो बनाना, ये कुछ जस्ता नहीं है। टीवी पे आप सीरियस देखते हैं, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, बस घर के बैकग्राउंड को दिखाया जाता है, उसके अंदर के रूम्स में। तो फिर भी इतनी अट्रैक्टिव क्यों होती है, क्योंकि उसकी वीडियो क्वालिटी के कारण, उसके पार्ट के कारण, उसके बैकग्राउंड के कारण। तो मैं भी ऐसा ही कुछ करना चाहता हूँ, भले चाहे जगह कहीं भी हो, छोटी हो बड़ी हो, अपने वीडियोस में एक सिनेमैटिक शॉट लाना चाहता हूँ, टाइम लैप्स। और वीडियो बनाने का जो तरीका होना चाहिए, जो तरीका होता है, जो शूटिंग करने का तरीका होता है, उसमें कुछ खास बदलाव लाने की कोशिश करूँगा। तो अब प्रोफेशनल बनना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा भाई। मैंने सारी तैयारी कल ही कर ली है रात में, कोई टेंशन नहीं है, और मेरे पास सिर्फ अभी आधा घंटा बचा, और आधा घंटा में मैं तैयार हो जाऊँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो चलो रेडी हो रहा हूँ, फोकस हो रहा है यार, बैग रेडी, जैकेट रेडी, सब रेडी। अब रेडी हो चुके हैं, अब जा रहे हैं। Thank you.
उड़ीसा बॉर्डर सर। वेलकम टू उड़ीसा। सेकेंड हैंड बाइक बाइक बाजार। के गलियारों में रायरंगपुर टाउ बैतरनी नदी ही ब्रेक पर रुके हैं क्या जाए और अभी हम कहाँ पहुँचे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम सुलाईपाट जा रहे हैं एंड अभी 11 बज रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक कम ऑन। अरे है पावर बैंक है ना, टेंशन नहीं लेने का। अरे वाह लुक एट दिस गाइस। अभी हम घूम रहे हैं सुलाईपाट डैम में। आप देख सकते हैं मेरे बगल में सुलाईपाट डैम। सरप्राइज और मुझे लगता है कि यहाँ आके मैंने कोई गलती नहीं की। मैं बहुत खुश हूँ, ये पहली बार आया हूँ यहाँ सुलाईपाट डैम और मैंने देखा एंड आई एम सो हैप्पी सो हैप्पी। लगता है मैंने सपने में देखा जगह को। देखने के बाद क्या कह सकते हो यार, क्या कह सकते हो। वाव अब मेरे पीछे देख सकते हैं क्या बैकग्राउंड है। वाव अब ऐसे जगह में आके आप ब्लॉगिंग भूल जाओगे यार। अब मैं तो ब्लॉगिंग करना भूल गया यार। अब ब्लॉगिंग करने में जितना मज़ा नहीं आ रहा, हमको घूमने में मज़ा आ रहा है यार। ये है सुलाईपाट का वो डिस्टिनेशन जहाँ हमने तय की थी। इतने अच्छी जगह और इतनी सुंदर सी जगह आप आते हो एंड इंस्पायर हो जाते हो आप मोटिवेट हो जाते हो, आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है। तो ऐसे जगह में आकर एंड आई थिंक मैं सही जगह आया हूँ। नज़ारा तो देखो पीछे तरफ। वाओ अब ये गा सकते हो आप गाना। नज़ारा ही नज़ारा
क्या है नजारा, नजारा ही नजारा, क्या है नजारा। यस, और वहाँ मेरी फैमिली, पूरी फैमिली फ़ोटो खिंचा रही है, फ़ोटो खींच रहे हैं, अपने अपने यादगार चीज़ें ले जा रहे हैं कैमरे में कैद करके। और ये मोमेंट मेरे ज़िंदगी में हमेशा रहेगा। और मैं आज कहता हूँ, और आज मैं कहता हूँ कि मैं इसी के लिए जीता हूँ, इसी के लिए मैं मरूँगा। मज़ा कर रहा हूँ, दैट इज़ लाइफ यार। और आज इससे बढ़कर और क्या लाइफ हो सकता है। और मुझे ये लाइफ, थैंक यू सो मच। और मैं ये ज़िंदगी और ये मोमेंट कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं। तो दैट इज़ द ब्यूटीफुल प्लेस जो हमने सुलाईपाट, आप देख सकते हैं। और मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ सुलाईपाट डैम में, और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, आप देख सकते हैं नीचे काफ़ी लोग हैं, और यहाँ लगता है हर संडे को भीड़ होती होगी। और ये मैं पहली बार आ रहा हूँ, और ये पब्लिक लोग मुझे देख रही है, पागल है क्या अकेले बात कर रहा है। ओह गॉड यार, ब्लॉगिंग तो करने दो यार, कुछ तो करने दो यार। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे का नज़ारा देखते हैं, आगे क्या क्या है। चलो, सपने में ये डैम देखा है, मैं पहले भी आ चुका हूँ। होता है कभी कभी ऐसा लगता है कि हम पहले कभी आए हों, ऐसा कभी कभी हमें फीलिंग होती है। तो ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन खैर जो भी हो, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मम्मी लोग आगे आगे और मैं पीछे पीछे। वो रहा डेंजर जोन, बाप रे इतनी ऊंचाई देख के तो डर लगता है। अब सेल्फी लो या फोटो कैप्चर करो, बी केयरफुल, हमेशा ध्यान रखना इसी ऊंचाइयों पर। ये देखिए दूर दूर तक पानी। और तो मैं तो कहता हूँ आपको, ज़िंदगी में एक बार ऐसी जगहों में आनी चाहिए, क्या पता ज़िंदगी का क्या भरोसा यार। से अच्छा संडे और कुछ नहीं होता।